फेडरेशन के माध्यम से 4 दिनों से कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कोई बड़ी मांग नहीं है, 2 सूत्री मांग कर रहे हैं, ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। 34% डीए की मांग कर रहे हैं, गृह भाड़ा का जो भत्ता होता है उसके बारे में मांग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस 34% की मंजूरी दी, मध्य प्रदेश सरकार ने जिसको स्वीकार करके शिवराज जी ने 34% दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 34% का इनका मंजूर किया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहाँ जहाँ सरकारें हैं, त्रिपुरा ने भी 34% डीए दिया। सवाल यही है कि डीए का गैप, मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा, कभी 1 किस्त से ज़्यादा हमने बढ़ने नहीं दिया, और आज स्थिति ये है कि अकेले इनके भाड़ा भत्ता से 340 करोड़ रुपया का मासिक नुकसान कर्मचारियों को हो रहा है। डीए की राशि में भी इनका हर माह नुकसान हो रहा है। सरकार क्या ये तय कर ली है कि इसका जिस दिन से महंगाई भत्ता स्वीकार करेंगे एरियर्स की राशि देंगे, मगर सरकार खामोश है, धमकी की भाषा बोल रही है, धमका रही है, कर्मचारी आंदोलन को तोड़ना चाहती है। इसलिए आज हम लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर्मचारी यूनियन के इस आंदोलन के समर्थन में। भत्ता नहीं दे सकते जब तुम किसानों की हालत को सुधार नहीं सकते, जब अधिकारी कर्मचारियों के मांग को डीए के बाकी पूरा नहीं कर सकते, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो वादा किया था कि इनको हम स्थायी करेंगे, परमानेंट करेंगे, ये नहीं कर सकते, जब कुछ कर नहीं सक रहे हो तो फिर पद में बने रहने का अधिकार क्यों है? नहीं रहना चाहिए।